हेलो गाइज, मैं एहसान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसन मेडकोस। आज हम बात करेंगे यूरेटरी कोलिक के बारे में। ये लोगों में क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो ये सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे यूरेटरी कोलिक होता क्या है। दर्द होना, कांटे जैसी चुभन होना, यानी कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसमें दर्द होने लगता है। ये कई कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है तभी ये प्रॉब्लम होने लगती है, या फिर किसी व्यक्ति को किडनी स्टोन है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर जो किडनी स्टोन्स होती हैं वो यूरिनरी ट्रैक्ट में फंस जाती हैं, जो मूत्र वाहिनी जिसको बोलते हैं उसमें फंस जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होती है और यूरेटरी कोलिक जैसा पेन उसको महसूस होता है, दर्द होता है, इसी को यूरेटरी कोलिक बोला जाता है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम पुरुषों में और महिलाओं में किसी को भी हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर समस्या उन लोगों में देखी जाती है जो लोग पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेट रहते हैं, पानी ज़्यादा मात्रा में ना पीने की वजह से उनकी किडनी में जो स्टोन्स बनती हैं, छोटे छोटे जो कैलकुलस होते हैं वो निकल नहीं पाते हैं और वो यूरिनरी ट्रैक्ट में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से यूरेटरी कोलिक हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ इसके कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके क्या लक्षण दिख सकते हैं पेशेंट को। दोस्तों, ऐसे पेशेंट्स को तेज दर्द होता है, चुभन महसूस होती है जब यूरिन पास आउट करने के लिए जाते हैं, थोड़ी मात्रा में होती है और बार बार जाने की इच्छा होती है, और यूरिन पास आउट करते समय उनको दर्द होता है, पेशाब में जलन होती है और यूरिन पास आउट करते समय काफ़ी डिफिकल्टी होती है। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कोई स्टोन फंस गई है, इंजरी हो जाने की वजह से यूरिन के साथ में ब्लड भी आ सकता है, जिसको हेमिचूरिया भी बोलते हैं, पेशाब में खून आना। ऐसे पेशेंट्स को यूरिन से काफ़ी तेज स्मेल आती है, यूरिन के साथ में स्मॉल पार्टिकल्स भी आ सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे कण भी आ सकते हैं, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन रहता है। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को यूरेटरी कोलिक हो गया है तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं जैसे मैंने बताए हैं, तो उसको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, अपने आप इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टेस्ट करा सकते हैं, जैसे कि यूरिन का टेस्ट करा सकते हैं, लोअर एब्डोमेन का यूएसजी करा सकते हैं या फिर एक्सरे भी करा सकते हैं, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और इसके साथ में हाइड्रोथेरेपी पेशेंट को दी जाती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेशेंट को पानी पीने के लिए दिया जाता है, जैसे कि अगर कोई स्टोन यूरिनरी ट्रैक्ट में फंस गई है या फिर किडनी स्टोन से आसानी से निकल जाए। ऐसे पेशेंट्स को कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए, आराम की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लेनी चाहिए। हाइड्रोथेरेपी में डॉक्टर दोस्तों लेसिक्स में फ्रोसेमाइड होता है, ये 2 ml दिया जाता है, यानी कि 4 mg तक दिया जाता है पेशेंट को, इसको लास्ट में ड्रिप में ही डाल दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट को यूरिन पास आउट करने की तेज इच्छा होती है और बार बार यूरिन पास आउट करता है, जिससे कि जो स्टोन फंसी हुई होती है यूरिनरी ट्रैक्ट में या फिर किडनी स्टोन होती है वो आसानी से निकल जाती है। दोस्तों, ये जो प्रोसीजर होता है ये 3 दिन तक लगातार किया जाता है, जिससे कि पेशेंट की जो किडनी स्टोन्स होती हैं जल्दी निकल जाती हैं, इसी को हाइड्रोथेरेपी बोला जाता है। और इसके साथ ही अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है तो पेन किलर मेडिसिन दी जाती हैं, एंटी स्पाजमोटिक मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे कि जीरोडॉल स्पास आती है, ड्रोटाबरीन आती है, मेफनिक स्पास आती है और भी कई तरह की मेडिसिन आती हैं दर्द को कम करने के लिए। अगर मेडिसिन से दर्द कम नहीं हो रहा है तब इंजेक्शन दिया जा सकता है, जैसे कि इंजेक्शन बस्कोपैन आता है, ये इस दर्द के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है और पेशेंट को क्विक रिलीफ मिलता है, जल्दी रिलीफ मिल जाता है। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट का जो कैलकुलस पेन होता है, यूरेटरी कोलिक होता है, वो ठीक हो जाता है। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन फंसी हुई है वो निकल नहीं पा रही है, तब उसको ऑपरेट किया जाता है, सर्जन के बाद रिफर कर दिया जाता है, जैसे कि ऑपरेट करके उस स्टोन को निकाल दिया जाता है, जैसे कि पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जब दवाओं से ट्रीटमेंट देने से ये ठीक नहीं होता है तब ये प्रोसीजर किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा यूरेटरी कोलिक क्या होता है, जिसमें पेशेंट को पेशाब करने पर दर्द होता है, चुभन होती है और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तब इस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। अगर आप किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहेंगे।